गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो देयर दोस्तों, मेरा नाम केविन है। पर्सनल ट्यूटर के इस सिनॉप्सिस से मैं आज आप लोगों को आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इट्स अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय हिमसेल्फ नेल्सन रोहिलाहला मंडेला। इन्हें हम कह सकते हैं फादर ऑफ नेशन, जो कि साउथ अफ्रीकन फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी, जस्ट एज महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश रूल से बाहर निकालने के। वहाँ पर एक पॉलिसी चलती थी अपार्थीड की। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अपार्थीड? अपार्थीड इज अ पॉलिसी इनकलकेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ डिवाइडिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड रेसेस। मतलब अपार्थीड एक ऐसा जरिया था सरकार का जिसमें लोगों को उनकी जाति, उनकी रेस के अभाव में के भाव पे उनको डिवाइड किया जाता था। नाउ द मेन थिंग वाज ओवर हियर दैट द ब्लैक्स वर केप्ट अपार्ट एंड द वाइट्स वर केप्ट अपार्ट। इन सारी चीज़ों का उल्लेख हम लोग महात्मा गांधी के मेमोयर्स में भी देख सकते हैं, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में प्रैक्टिस चालू करी थी, तो किस तरीके से इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फर्स्ट क्लास टिकट ही वॉज डिनाइड द एंट्री इन टू द कंपार्टमेंट एंड ऑल द थिंग्स। तो नेल्सन मंडेला ऑल्सो हैड अ ग्रेट लॉन्ग फाइट in this war, and finally he was elected the president of the Union of South Africa. So let us go ahead and have a look at the chapter. सबसे पहले chapter शुरू होता है, इसमें 10th of May 1994, basically 10th of May 1994 जो है वो दिन है अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन रेवोल्यूशन के एपिटोम का, जहाँ पे फ्रीडम के बाद में फाइनली अ पर्सन नोन एज नेल्सन मंडेला was made, he was sworn in as the president of South Africa. Now BBC की एक बहुत खास इसके ऊपर एक कटाक्ष, एक पेशकश की गई थी। It says the headline was Mandela becomes South Africa's first black president. दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं जो नेटिव्स हैं, जो अफ्रीकन नेटिव्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन नेचर, दे आर darker on the side of the complexion. Abhi tak South Africa was under the influence of Britishers, and thus the majority of authoritative places were covered up by people, the whites, frankly. So this is what became a news. A person, the first black person to become, the president of South Africa. That is a big thing. It says Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South African history. मतलब लगभग 30 साल से अफ्रीका को वाइट्स रूल कर रहे थे। नेल्सन मंडेला ने इस फाइट को जारी रखा अपार्थाइड की, द एम्पावरमेंट टू बी गिवन टू द ब्लैक्स एज वेल। इन्होंने फाइट जारी रखी थी, और इस फाइट के लगभग 30 दशक, मतलब 30 साल के बाद में, 3 दशक के बाद में ये फाइनली यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हुई है कि इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब आप कांग्रेस की बात करेंगे तो यस, आर इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दीज वर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम फीलिंग ऑफ अपरूटिंग द ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश रूल. सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 सीट्स आउट ऑफ 400 जीती थी. So clearly they had a majority. That was more than half. They had a majority, and yes, they were invited to form a government now. The inauguration ceremony took place in Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. I'll again repeat it, my friends. It's never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे अपनी स्वरिंग इन सेरेमनी में 140 कंट्रीज के डेलीगेट्स को वहाँ पे प्रेजेंस दिलाई थी, एंड इन फ्रंट ऑफ देम ही हैड प्रॉमिस्ड दैट नेवर अगेन इन माय लैंड will any person be ruling over someone else. No person will be oppressing someone else. मतलब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर दबाव बना के नहीं रह सकता. कोई पर्सन किसी के अंडर में नहीं रह सकता. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही थी. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. अब ये swanning and ceremony के बाद में लगभग 100,000 blacks, whites, colored people, they all were roaming around the streets. They were having a gala good time. So this was a big news according to the BBC World. Now let's come back to the memoir. Chapter basically ये जो है ये नेल्सन मंडेला के एक थॉट प्रोसेस के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं वहाँ पे. वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उस दिन 10th of May 1994 को क्या चेंज आया था वो ये बताते हैं. सो लेट अस गो अहेड. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. मतलब जैसे जैसे 10th of May की तारीख पास आते जा रही थी मेरे पास में दुनिया भर के dignitaries, बड़े लोग, राजनेता, राजनयिक, ambassadors, ये सब लोगों का जमावड़ा मेरे पास में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था क्योंकि आज से पहले इतने सारे लोग एक साथ साउथ अफ्रीकन लैंड पे कभी उपस्थित नहीं हुए थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Pretoria basically capital South Africa का है और यहाँ कहते हैं कि people usually had gone ahead, political capital के वे में इसको यूज किया गया था. And people had gathered in the amphitheater building in the Pretoria. एक arch type था वो buildings इस तरीके से बनाई गई थी that produced a large stage. वहाँ पे swearing and ceremony को वहाँ पे conduct किया जाना था. मतलब इन्हें राष्ट्रपति पद का पदभार वहाँ पे मिलना जाना था और ये वहाँ पे अपनी शपथ लेने वाले थे. Now, for decades this had been the seat of white supremacy. सालों से, दशकों से ये जगह white supremacy, सफेद लोगों के अंडर में ये जगह रूल की गई थी. And now it was the site of a rainbow gathering in different colors and nations for installation of South Africa's first democratic and non-racial government. लेकिन आज दशकों से यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन रहा है. यहाँ पे उन लोगों ने अंग्रेज़ों द्वारा ये शासित प्लेस रह गई है. White people have been ruling this place, but now finally after long time, after decades, यहाँ पे कोई बिना किसी भेदभाव के blacks, whites, colored people all are together and they are celebrating this place. और पहली बार यहाँ पर एक non-racial और एक democratic मतलब सभी लोगों द्वारा चुनी गई और non-racial मतलब किसी एक race को, किसी एक main जात को बढ़ावा देने वाली यहाँ पे वो प्रथा अब समाप्त होने वाली है. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. अपनी बेटी की बात कर रहे हैं. ऑटम की शाम थी उस दिन. मेरे साथ में मेरी बेटी Zenani थी. On the podium, podium मतलब stage पे, Mr. De Clercq was first sworn in as second deputy president. Mr. De Clercq थे वहाँ पे. उनको second deputy president के समान वहाँ पे उनको stage पे बुला के उनको वहाँ पे शपथ दिलाई गई. Then Thabo Mbeki basically he became as the first deputy president. So यहाँ पे presidency जो थी वो basically तीन लोगों में बांटी गई थी. Second deputy president, first deputy president and then finally the president, that is none other than Nelson Mandela. Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. जब मेरी बारी आई, तब मैंने वहाँ पे लोगों को जब संबोधित करा, मैंने सबसे पहले अपने constitution, अपने देश के constitution, अपने संविधान को prime माना. I went ahead and paid homage to the constitution. I swore in and I pledged in front of the people. I said, मैंने क्या कहा? यहाँ speech बताते हैं नेल्सन मंडेला अपना. Let us go ahead. Today, all of us do. By our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब यहाँ पे हमारी उपस्थिति के साथ एक आशा, एक खुशी दिखा रहे हैं एक नए देश की तरफ, एक नए देश के उद्गम के प्रति हम एक आशा और एक ज्योति, एक उम्मीद के तौर पे हम देख रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. कह रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही अलग तरीके का एक ह्यूमन डिजास्ट्रस स्टेज देखा है। हम लोगों ने साउथ अफ्रीका में यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही पीड़ापूर्ण, एक दुखपूर्ण एरा देखी है। एंड यस माय फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट apartheid and the way the blacks were ruled out there and they were like brutalized, my friends, yes, it was hard. It's quite sad to imagine the person who had fought his whole life for the freedom of the country, वो रुके थे, वो उस अंग्रेजी राज को अपने यहाँ से हटाने के लिए अड़े हुए थे। अनगिनत बार जेल यात्रा की गई, उन्हें विस्थापित किया गया उनकी जगह से, उन्हें अरेस्ट किया गया, केसेस चलाए गए, व्यथाएं दी गई, पीड़ाएं दी गई, बट स्टिल दिस फेलो सेज कि इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है जो कि मानवता के ऊपर बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस करते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पे आज खड़े हैं। और हम आज यहाँ खड़े हैं तो पूरी समाज, पूरा समाज, सारी सोसाइटी जो यहाँ पर एक नई समाज की जो नींव रखी जा रही है उससे सारी ह्यूमैनिटी प्राउड फील करेगी। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो लोग प्राउड फील करेंगे क्योंकि हमने एक वॉर जीता है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हम लोग जिन्हें कुछ दिनों पहले हमारी ही ज़मीन में हमें आरोपी बना के रखा गया था, हमें किसी चीज़ से आउटलॉज बना के रखा गया था, जैसे कि हम इस ज़मीन को बिलोंग नहीं करते हैं, हमें यहाँ से देश निकाला टाइप दे दिया गया था। लेकिन आज हमें मौका मिला है हमारी सरजमी पर एक सरकार बना के इस देश को फॉर्म करके चलाने का। कैन यू गेस द फीलिंग ऑफ जॉय दिस पर्सन मस्ट बी गेटिंग नाउ। अगेन ही सेज वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Nelson Mandela बहुत clearly कह रहे हैं कि आज यहाँ पे हम देश विदेश से आए हुए गणमान्य नागरिकों का, इन महोदयों का हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं कि वो लोग हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं जब हम इस देश को अपनी गोद में ले रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं। और अब हम यहाँ पे इस सब चीज़ को अपने हाथों में लेके एक बात प्रूव कर रहे हैं कि एक जीत है, ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है इक्वालिटी की, ये जीत है पीस मतलब शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव की एक आत्मसम्मान की जीत है ये। Now it's a deep thing, my friends. We have at last achieved our political emancipation. हमने आखिरकार हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो परम उद्देश्य था, राजनीतिक उद्देश्य था हमारा, वो हमने अचीव कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आज हम शपथ लेते हैं यहाँ पे कि हम हमारे देशवासियों को गरीबी, जो जात पात के आधार पे जो भेदभाव किया गया है, जो सफरिंग्स, जो पीड़ा वो झेल रहे हैं, उन सब चीज़ों से हम इनको निकालेंगे, इनको उबार के बाहर लेकर आएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आज के बाद शायद ही कभी, कभी नहीं ये धरती एक पर्सन के ऊपर किसी दूसरे पर्सन का ऑपरेशन देखेगी, क्योंकि ये एक ऐसे दौर से गुजरे थे दोस्तों, इन्होंने बहुत पीड़ा झेली थी, इन्हें पता था अपार्थाइड क्या होता है, एनिमल्स से भी बुरा बर्ताव, ये होता है कि आपको किसी जगह पे जाने के लिए एक सेपरेट लाइन में खड़ा किया जाए. देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहां बताया गया है अपार्टमेंट में ब्लैक्स के लिए अलग एंट्री, वाइट्स के लिए अलग एंट्री होती थी. स्कूलों में बच्चों के लिए, ब्लैक बच्चों के लिए अलग एंट्री होती थी, वाइट बच्चों के लिए अलग एंट्री होती थी. देयर वर डिफरेंसेस. एक ह्यूमन को अगर ब्रेक करना है तो अपार्थाइड एक्चुअली प्लेड अ रोल. एक डिस्क्रिमिनेशन बाय बर्थ ऑलरेडी इम्प्रिंट हो जाता था आपके ऊपर. दैट इज नोन एज अपार्थाइड. And finally he says, the sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign, God bless Africa. ये सूरज इस ग्लोरी के बाद शायद कभी अस्त नहीं होगा हमारे देश में, क्योंकि अब जो सूरज हमारे देश में उगा है, ये उम्मीद का, एक नई जॉय का, ये जो सूरज हमारे देश में, हमारी धरती पे अब जो सूरज उगा है, ये जो सूर्योदय हुआ है, शायद ये अब कभी सूर्यास्त के रूप में हमें देखना नहीं पड़ेगा. और क्योंकि ये हमारी जीत है, एंड भगवान करे कि वो हमारे अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हमेशा आशीष बरसाए. सो आई होप माय फ्रेंड्स, नाउ यू हैव गॉट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इसके अंदर बहुत अच्छे से इमेंसिपेट करा है नेल्सन मंडेला ने अबाउट अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू नेशन. ही हैज गॉन अहेड एंड गिवन अ स्पीच. द स्पीच इटसेल्फ, ही गेव द स्पीच हिमसेल्फ, एंड इट इटसेल्फ सेज, इट गिव्स आउट द पेन, it gives out the happiness, the emancipation, the anticipation of the persons involved in obtaining the epitome of a country, that is freedom, my friends. And yes, finally they achieved it. तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. Still, if you are having any doubts, just comment below and I'll be going ahead and explaining it to you. बहुत जल्द मौजूद रहूँगा आपके बीच में Part 2 लेके. So stay tuned, like the channel and video को like करिए, channel को subscribe करना मत भूलिए. Take care, see you.